छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के साथ साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में से एक NSUI का नेता CK चौधरी भी शामिल है। बता दें कि सूरजपुर डबल मर्डर केस में गिरफ्तार हुए पांच आरोपी में से दो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिसे लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस को आड़े हाथ दे रही है। और अब भाजपा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के साथ सरगुजा कांड के दो प्रमुख आरोपियों की फोटो डाल दी है। बीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि खूब जमेगा रंग जब जेल में बैठेंगे तीन यार, होंगे हर अपराधी जेल में, जीरो टॉलरेंस है विष्णु सरकार। दोहरे हत्याकांड के आरोपी कुलदीप और CK चौधरी के साथ फोटो पोस्ट किए जाने के बाद जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव के दफ्तर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर सफाई पेश की गई है। इस पोस्ट में लिखा गया है, मुझे जेल में सूचना मिली कि सूरजपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के साथ मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पर भाजपा द्वारा प्रसारित की जा रही है, जो कि दुखद है। सार्वजनिक जीवन में विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित होने के दौरान बहुत से युवा हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के गुनाहों में हम भागीदार हों। विधायक के दफ्तर ने आगे लिखा कि NSUI के जिला अध्यक्ष को संगठन ने तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया, वही मुख्य आरोपी से मेरी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। पुलिस परिवार पर हमला करने वाले और हत्या को अंजाम देने वाले किसी भी पार्टी संगठन का हिस्सा क्यों न रहे हों, अपराध करने की छूट नहीं होती। एक अपराधी केवल अपराधी होता है। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। शासन से मेरी अपील है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार केवल निराधार आरोप लगाकर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। प्रतिदिन दर्जनों हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है, न कि लोगों को गुमराह कर स्वयं के बचाव की। तो इन दोनों ही पोस्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।